आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थित मंदिर में पहुंचकर किया पूजा अर्चना। देश के सभी महिलाओं सहित लोक कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ से की प्रार्थना। दस मार्च को मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मतगणना को संपन्न कराने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में बनाया गया 14 टेबल। हर टेबल पर सीसीटीवी की निगरानी करने के लिए लगाई गई है 4 कर्मचारियों की ड्यूटी। मोबाइल रखने पर किया प्रतिबंधित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय में चल रही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को दी शुभकामना। कहा, सभी लोगों को होनी चाहिए केंद्र और प्रदेश सरकार की महिलाओं के सम्मान और सुलंबन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर DDUGU के वुमेन स्टडीज सेंटर गुआक्टा और गृह विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लेट्स वॉक टुगेदर वॉकथन का किया गया आयोजन। दिया गया लैंगिक समानता का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, भारत सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए किया है बहुत काम। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर दे रही हैं अपना योगदान। दिया सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर BRD मेडिकल कॉलेज के वन स्टॉप सेंटर में अनंता मेगा इवेंट का किया गया आयोजन। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहा, जिस घर में महिला का होता है सम्मान उस घर में देवी करती है वास। पूर्वोत्तर रेलवे के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का किया गया आयोजन। मुख्य वित्त सलाहकार प्रीति झा ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा का कार्य करेंगी महिलाएं। नगर निगम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम एवं डूडा के महिला कर्मचारियों के स्वागत एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा, महिला को सम्मान देना रही है भारत की प्राचीन संस्कृति। और गोरखपुर में मंगलवार को पाया गया मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 222। डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।